मैं जनाब मोहम्मद अफजल आदि कुरान तू बोलता पाया। आज जेड़ा सानिया साड़ी मस्जिद मल्ला कोट दे विच है, मेरे बेटे ने कीता है, ओदा बहुत दुख है। उसकी वजह के मैं खुद बड़ा वड्डा आशिक रसूल हाँ और मेरी पूरी फैमिली बड़ी आशिक रसूल और अल्लाह ने हुक्म मजहबी कर लिया साड़ा। उस बच्चे जेड़े अल्फाज कड़े न मैं तो नाउज बिल्ला वो अपने जबान चो कहना भी नहीं चाहता। बहुत ज्यादा दिल दुख होया। मैं कहता सी कि इहदे नाल मेरे घर बेटा ना पैदा होना तो बेहतर सी। अल्लाह पाक नूं सेहत दे। बाकी मतलब है मैं पुरजोर तरीके दे नाल अंदरले दिलों मतलब है इस चीज की मजम्मत करदा और अपने अल्लाह को माफी मंगदा और अपने बेटे वास्ते भी अल्लाह को माफी मंगता है। अल्लाह पाक उन्हें भी माफ करे। तो अपनी सारी उम्मते मुसलमान जिन्हों का दिल दुखे गल सुन के मैं उन्होंने सारी उम्मते मुसलमान को भी माफी मंगता इस गल की और बहुत दिली दुख पहुंचे। पुलिस इतने आई है और पुलिस नू मैं क्या इन लै जाओ मेरे घर चो बहर लै जाओ, मैनू ये बंदा चंगे नहीं लगता पाया। उत्थे थाने फिर गए हैं मतलब है उत्थे उलमाए कराम आए न उन्होंने सामने बह के मैं कह जी मैं इस गल ते खुश हाँ जेड़ी कानूनी तौर ते इन सजा दो मैं उस चीज का खुश हाँ। मेरा कोई थोड़े ते मतलब है प्रेशर नहीं कि परचा ना दो ये ना करो वो ना करो। इन मतलब है जेड़ा कानून कहता है तो इन्हें रसालत का वह तुम जनाब कानून लागू करो और इन सजा दो। अल्लाह के हुक्म नाल मैं उन सजा हो खुश होवांगा। ओदी वजह के ए मैं तो इन्हें रसालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक सानू पक्का ते सच्चा मुसलमान बनावे ते अल्लाह पाक मतलब है उस बच्चे ने मेरे नू सेहत देवे। ते आखर ते मैं दुआ करांगा या अल्लाह पाक एहो जी सजा किसी होर बंदे बाप नू ना देई जिहड़ी मैनू मिली है। अल्लाह पाक सारे दे बच्चे नू सेहत देवे ते किसी दे बच्चा पिछे अल्लाह पाक मेरे बच्चे नू सेहत दे। मतलब है सारे मैं रिक्वेस्ट करांगा दुआ दे वास्ते करो। बाकी मतलब है मेरा और मेरे पूरे खानदान का खत्मे नबूवत है मुकम्मल ईमान है और इंशाल्लाह असी मतलब है मुकम्मल ईमान है रहसी और रवेगा। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आखिरी नबी और इन्हें तो बाद ना कोई पैगम्बर आना है ते ना कोई मतलब है होर गल है। मतलब ये साढ़े पैगम्बर असी मतलब है आशिका इन्हों दे अल्लाह पाक मतलब सानू आशिका विच ही मारा।